हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को फोटो केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। फोटो केमिस्ट्री में लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने बियर लैम्बर्ट लॉ स्टडी किया था। इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री में हम दो लॉ पढ़ेंगे, ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ पढ़ेंगे और स्टार्क आइंस्टीन लॉ पढ़ेंगे। क्लियर? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है फोटो केमिस्ट्री। इसमें आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री। पहला लॉ पढ़ेंगे हम, पहला लॉ जो है वो आपका ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ है। देखो, ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ जो है वो केवल और केवल क्वालिटी के ऊपर बेस है, तो ये कौन सा लॉ कहलाएगा? इट इज बेस्ड ऑन क्वालिटी। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस लॉ इज कॉल्ड क्वालिटेटिव लो। ये क्वांटिटी के बारे में कोई भी रिलेशन नहीं बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है? केवल क्वालिटी के बेस के ऊपर लो है, इसलिए ये लो क्या कहलाएगा? क्वालिटेटिव लो कहलाएगा। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इस लो को सबसे पहले ग्रोथर्स ने दिया था। ग्रोथर्स ने तो थ्योरेटिकल बेसिस पे दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल। और ड्रॉपर ने उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है? सेकंड पॉइंट, दिस लॉ इज फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री। ये फोटो केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट लॉ है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ये लॉ जो है वो हमें डिफाइन करता है कि कौन सी लाइट रेस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए? केमिकल चेंज के लिए। क्या कहा मैंने? ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ ये डिफाइन करता है कि कौन सी लाइट जो है वो केमिकल चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो किसके बारे में बता रहा है? दिस लॉ डिफाइन द रेस्पॉन्स लाइट फॉर केमिकल चेंज। क्या कहता है ये लो? ये कहता है, देखो, लाइट के बहुत सारे फिनोमिनाज पढ़ते हो आप, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम लाइट डालते हैं तो कुछ लाइट रिफ्लेक्स हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, रिफ्रैक्स हो जाती है, कुछ लाइट अब्जॉर्ब कर ली जाती है, कुछ लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। मीन्स लाइट के बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं। क्या ट्रांसमिट लाइट केमिकल चेंज करेगी? क्या रिफ्लेक्ट लाइट केमिकल चेंज करेगी? इसके बारे में किसने बताया? ग्रोथर्स ड्रॉपर ने बताया कि लाइट का वो पार्ट जो किसी सब्सटेंस के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, केवल वही
उनमें केमिकल चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बाकी ट्रांसमिट लाइट, स्कैटर्ड लाइट, रिफ्लेक्ट लाइट, रिफ्रैक्ट लाइट, कोई रेस्पॉन्सिबल, कोई भी उसका कोई भी पार्ट जो है वो केमिकल चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। केवल वही पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है जो उस सब्सटेंस के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ, अकॉर्डिंग टू ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ, द पार्ट ऑफ लाइट विच इज एब्सॉर्ब बाय सब्सटेंस responsible for chemical change, ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग लाइट का वो पार्ट जो किसी सब्सटेंस के द्वारा अब्सॉर्ब किया जाता है, मीन्स कौन सी लाइट, अब्सॉर्ब्ड लाइट ही केमिकल चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब ये जो लॉ है ये केवल और केवल प्राइमरी प्रोसेस के ऊपर ही फॉलो होगा, सेकेंडरी प्रोसेस पे फॉलो नहीं होगा। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस होती क्या है, पहले थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आप लोगों को, आपके सिलेबस में है नहीं, आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि देखो जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो दो प्रोसेस के थ्रू होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन की प्रोसेस, फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रोसेस कितनी स्टेप में होंगी, दो में होंगी, प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस। अब देखो स्टूडेंट्स, प्राइमरी प्रोसेस हम उसी प्रोसेस को कहेंगे जब कोई सब्सटेंस के ऊपर आपने लाइट डाली और लाइट इस सब्सटेंस के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली गई और ये सब्सटेंस एक्साइटेड स्टेट में चला गया। मीन्स प्राइमरी फर्स्ट स्टेप में तो क्या होता है आपका, फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी कैसे, लाइट डाली, लाइट डालने के बाद वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उसको अब्सॉर्ब करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और उसके बाद उसमें कोई केमिकल चेंज होगा। क्लियर? तो जब वो सब्सटेंस के ऊपर हमने लाइट डाली और उसके द्वारा अब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यहाँ तक की जो स्टेप होती है वो प्राइमरी स्टेप होती है। उसके बाद जितनी भी स्टेप्स होती हैं सबकी सब स्टेप्स कौन सी होंगी, सेकेंडरी स्टेप होंगी। अब ये जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है इस पे दो प्रोसेस हो सकती हैं, केमिकल चेंज भी हो सकता है और फिजिकल चेंज भी हो सकता है। मीन्स ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, इसमें केमिकल चेंज होंगे मीन्स नया सब्सटेंस बनाएगा कोई भी, तो उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस में पढ़ते हैं, और ये क्या बना ले, फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। फिजिकल चेंजेस कैसे होंगे, मान लो जो इसने अब्सॉर्ब लाइट जो अब्सॉर्ब की है इस लाइट को ये एमिट कर दे फोटो रेडिएशंस की फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में, नॉन रेडिएशंस की फॉर्म में हीट रिलीज हो रही है, तो हम जेब्लोस की डायग्राम पढ़ेंगे वो किसके कारण आता है, उसमें केवल केमिकल चेंजेस नहीं होता है, उसने अब्सॉर्ब की, एक्साइटेड स्टेट में गया और वो वापस एनर्जी को रिलीज कर दी। अब वो फ्लोरोसेंस, फास्फोरोसेंस, रेडिएटिव प्रोसेस या नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस से वो कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, मीन्स उसमें केवल फिजिकल चेंजेस होंगे। तो अब देखो हमने इसमें क्या लिखा था कि ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग लाइट का वो पार्ट जो किसी सब्सटेंस के द्वारा अब्सॉर्ब करने के बाद उसमें केमिकल चेंज करे। क्लियर? यही तो था कि अब्सॉर्ब
लाइट है वही रेस्पॉन्सिबल होती है उनमें केमिकल चेंज करने के लिए। क्या नाम लिख दिया यहाँ पे, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज कहाँ तक हो रहा है, फर्स्ट स्टेप तक। सेकेंडरी स्टेप में केमिकल चेंज भी हो सकता है और फिजिकल चेंज भी हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रोथस ड्रॉपर लो जो फॉलो हो रहा है वो केवल प्राइमरी प्रोसेस पे ही फॉलो होगा। तो क्या लिखेंगे, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइमरी प्रोसेस। अगला पॉइंट क्या है, इट इज एप्लीकेबल फॉर प्राइमरी प्रोसेस। ये था आपका ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। ग्रोथस ड्रॉपर लॉ क्वालिटेटिव है, क्वालिटी के ऊपर बेस है। ये रिएक्टेंट और लाइट की इंटेंसिटी के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं कर रहा है। हम तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो सब्सटेंस लाइट अब्जोर कर रहा है तो लाइट का वो पार्ट जो उस सब्सटेंस के द्वारा अब्जोर किया जा रहा है वही लाइट का पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है उस सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज कराने के लिए। बाकी रिफ्लेक्टिव लाइट, ट्रांसमिट लाइट या रिफ्रैक्टेड लाइट को का पार्ट जो है वो उसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल चेंज नहीं करवाता है। क्लियर यहाँ तक। ये था आपका ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। फर्स्ट लॉ था, इसको ग्रोथस ने तो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था, उसके बाद ड्रॉपर ने इस पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था। तो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। अब सेकेंड लॉ है आपका स्टार्क आइंस्टीन लॉ। स्टार्क आइंस्टीन लॉ, इस लॉ को हम क्वांटम इक्विवेलेंट लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वांटा इक्विवेलेंट लॉ भी कहा जाता है। ये लॉ, पहली बात, इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, फ्लांक की क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड। क्लियर। ये क्या कहता है कि सब्सटेंस है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो लाइट डाली गई तो वो क्या एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक ही फोटोन अब्जॉर्ब होता है या एक से ज़्यादा होता है। मीन्स लाइट का और इन लाइट के फोटोन का और मॉलिक्यूल के बीच, मॉलिक्यूल्स के नंबर के बीच रिलेशनशिप देखा गया। मीन्स ये कौन से टाइप का हुआ, क्वांटिटी भी देख रहे हैं हम और क्वालिटी भी देख रहे हैं। तो क्या है, इट इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इन लॉ। ये कैसा है, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लॉ कहलाता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ये कि ये कहता है कि एक ही मॉलिक्यूल के द्वारा एक ही फोटोन अब्जॉर्ब किया जाता है और वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ये भी प्राइमरी प्रोसेस तक ही बता रहा है। क्या कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक फोटोन अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होता है और केमिकल चेंज करता है। मींस ये लॉ क्या कहलाएगा, वन फोटोन वन मॉलिक्यूल लॉ कहलाएगा।
इसी को हमने क्वांटा इक्विवेलेंट लॉ कहा था। क्वांटा, जितने क्वांटा उसके द्वारा अब्सॉर्ब किए गए उतने ही प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, यही तो कहा, जितने क्वांटा उसके द्वारा अब्सॉर्ब किए गए उतने ही मॉलिक्यूल एक्साइटेड हुए और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, यही कहा, इसीलिए इसको क्या नाम दिया, क्वांटा इक्विवेलेंट लॉ कहा गया। इस लॉ के अकॉर्डिंग द रिएक्टिंग सब्सटेंस रिएक्टिंग वन मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब ओनली वन क्वांटा एंड एक्साइटेड टू फॉर्म प्रोडक्ट। क्या कहा, इस लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट वन मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है कितना, वन क्वांटा, एक्साइटेड हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, वन फोटोन वन मॉलिक्यूल लॉ भी कहलाएगा। एक मॉलिक्यूल को एक्साइटेड करने के लिए एक ही फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो हमें पता है कि फोटोनों की एनर्जी कितनी होती है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है, क्लियर, वन फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है। तो अब हम निकाल रहे हैं आइंस्टीन एनर्जी किसको बोला है, एक मॉलिक्यूल के द्वारा अब्सॉर्ब एनर्जी की वैल्यू क्या है, एच न्यू। एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को अब्सॉर्ब करेगा तो उस मॉलिक्यूल के द्वारा अब्सॉर्ब एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, एच न्यू हो गई। वन मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब एनर्जी क्या होगी, एच न्यू। वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, हम मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं, मोल कंसेप्ट में क्या पढ़ते हैं हम कि वन मोल में एवोगैड्रोस नंबर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वन मोल में एवोगैड्रोस नंबर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यही तो कहा। तो यदि हम वन मोल सब्सटेंस के द्वारा अब्सॉर्ब एनर्जी की बात करेंगे तो एक पार्टिकल्स के द्वारा इतनी और एन ए पार्टिकल्स के द्वारा कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की जाएगी, वन मोल मॉलिक्यूल या सब्सटेंस कुछ भी लिख लो, मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब एनर्जी क्या होगी, एन ए एच न्यू, और ये एनर्जी क्या कहलाती है, आइंस्टीन एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड आइंस्टीन एनर्जी। क्या डेफिनेशन हुई आइंस्टीन एनर्जी की, वन मोल मॉलिक्यूल के द्वारा अब्सॉर्ब एनर्जी क्या कहलाती है, आइंस्टीन एनर्जी कहलाती है। वन मोल मॉलिक्यूल के द्वारा अब्सॉर्ब एनर्जी आइंस्टीन एनर्जी कहलाती है। इसकी वैल्यू निकाले, ई इक्वल टू एन ए एच न्यू, क्लियर, ई इक्वल टू क्या हो गया, एन ए एच सी अपॉन लैम्ब्डा, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है जो सी अपॉन लैम्ब्डा, लैम्ब्डा क्या है, वेवलेंथ, सी क्या है, लाइट वेलोसिटी, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये रिलेशनशिप हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर वेवलेंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है और न्यू होता है सी अपॉन
लेमड़ा, ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, ये सी अपॉन लेमड़ा। अब देखो आपको एन ए की वैल्यू पता है, एवोगैड्रोस नंबर, क्या क्या पता है वो वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे। एन ए 6.022 इंटू 10^23, इतने तो नंबर होते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एच फ्लांक कांस्टेंट, फ्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको पता होती है, 6.626 इंटू 10^-27। उसके बाद सी क्या है, लाइट वेलोसिटी, और लाइट वेलोसिटी की वैल्यू भी आप लोगों को पता है 3×10^10। ये मॉलिक्यूल हैं इतने इसमें। एच फ्लांग, फ्लांग का होता है अर्ग पर सेकंड, अर्ग सेकंड होता है सॉरी, और ये होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। ये वैल्यूज जब ये वाली वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में रखूंगी तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.022 इंटू 10^23 इंटू में एच की वैल्यू रख दो 6.626 इंटू 10^-27 इंटू में सी की वैल्यू रख दो 3×10^10 अपॉन लैम्ब्डा। इन सब को जब हम आपस में कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 119.7। ये आपको वैल्यूज थोड़ी याद रखनी होंगी, ई की वैल्यू आ जाएगी 119.7 इंटू 10^6 अपॉन लैम्ब्डा। 119.7 इंटू 10^6 अपॉन लैम्ब्डा अर्ग पर मोल। इसी को यदि हम कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 119.7 इंटू 10^6 अपॉन कैलोरी, के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4.184 इंटू 10^7 लैम्ब्डा। इन सबको फिर से कैलकुलेशन की तो ये जो वैल्यू आई है ये आई है 2.86 अपॉन लैम्ब्डा, ये आ गई कैलोरी पर मोल। आइंस्टीन एनर्जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये किसकी वैल्यू है, आइंस्टीन की है। क्लियर यहां तक? ये था आपका स्टार्क आइंस्टीन लॉ। क्या कहता है कि एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक ही क्वांटा अब्सॉर्ब किया जाता है। जो रिएक्शन स्टार्क आइंस्टीन लॉ फॉलो करती है उसकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू, क्वांटम यील्ड कितनी आएगी, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे वो वन आएगी। मीन्स एक फोटोन एक ही मॉलिक्यूल को एक्साइटेड करेगा तो क्वांटम यील्ड की जो वैल्यू है स्टार्क आइंस्टीन लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ेंगे कि मैम ने क्वांटम यील्ड क्या होता है ये तो हमें समझाया ही नहीं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्वांटम यील्ड क्या होती है। अब स्टार्क आइंस्टीन लॉ के अकॉर्डिंग ही सारी रिएक्शंस हो ऐसा जरूरी नहीं है। इन्होंने तो कहा कि एक मॉलिक्यूल एनर्जी ली एक्साइटेड हुआ, एक फोटोन एनर्जी अब्सॉर्ब की एक्साइटेड हुआ और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ एनर्जी जो है वो इनकी हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, कोलोजन्स के थ्रू एनर्जी जो है वो
रिलीज हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक बार इनको इनिशिएट करने की ज़रूरत होती है और बहुत सारे मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाते हैं और एक ही फोटोन से बहुत सारा प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो मीन्स क्वांटम इल्ड क्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पहले पढ़ेंगे क्वांटम इल्ड किसे कहते हैं, फिर हम पढ़ेंगे क्वांटम इल्ड की वैल्यू 1 से ज़्यादा होने के रीज़न और 1 से कम होने के रीज़न। 1 तो क्यों है, ये तो स्टार्क आइंस्टीन लॉ को फॉलो करेगी, तो इसके क्वांटम इल्ड की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्लियर, थैंक यू स्टूडेंट्स।